तो वही फिलहाल देख सकते हैं दीपक निवास हुड्डा जी के साथ में सीएम साहब पहुंचे हैं अभी। पहले 100 करोड़ की जनसंख्या में मेडल दो चेयर आते थे, पूरा देश दिवाली मनाता था, ऐसे होता था पता नहीं क्या होगा। और अब हमारे देश की स्थिति वो है कि इस बार ओलंपिक में 7 मेडल हमारे आए थे, पैरा ओलंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20 प्लेयर्स रहे हैं, जो अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी प्लेयर्स हैं सब यहाँ मौजूद हैं, और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर और सबको देखकर। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपके सामने हम लेकर के आने लग रही हैं। तो वही फिलहाल सतीश पुनिया जी जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी हरियाणा के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और वही हरियाणा के सभी जो खिलाड़ी है वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। एक सम्मान समारोह है, गौरव पुरस्कार जो है वो आज यहाँ पर जो समारोह किया गया है। सतीश पुनिया जी, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। नाम जी? धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर बुलाया गया है, सम्मानित किया जाएगा? देखिए, हरियाणा की धरती उर्वरा है, बहुत फर्टाइल है, जहाँ अन्न के लिए तो जाना ही जाता है, यहाँ का किसान परिश्रमी है, यहाँ का जवान जब सेना पर सीमा पर लड़ता है तो देश की रक्षा भी करता है। लेकिन हरियाणा की एक बड़ी खूबी है कि हरियाणा की इसी धरती पर जो खिलाड़ी पैदा होता है वो दुनिया भर में तिरंगे का मान करता है, और आज का ये कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल, गैर राजनीतिक, लेकिन उन खिलाड़ियों के लिए एक तरीके का प्रोत्साहन है। मैं अभी मिला बहुत सारे लोगों से, कुछ अपनी उनकी समस्याएं भी हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी सरकार प्राथमिकता से खिलाड़ियों के जो कुछ इस तरीके के मसले हैं उनका समाधान भी करेगी, और ज़्यादा मजबूती के साथ में किस तरीके से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, आज का ये कार्यक्रम इसी बात का संदेश देता है। सर, रोहतक में मौजूद है, एक चुनावी चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हुड्डा का गढ़ है, ये नहीं टूटेगा। नहीं, राजनीतिक चर्चा मैं नहीं करूंगा, उसमें पार्टी की बंदिश है, मैं तो खाली खिलाड़ियों पर बात करूंगा। बिल्कुल, खिलाड़ियों को लेकर के क्या कुछ आगामी रणनीति रहेगी, जिससे हमारे जो देश के खिलाड़ी है वो विश्व स्तर पर देश का नाम चमकाएं? देखिए, पहली बार ओलंपिक में इतने मेडल जीतना, ये अपने आप में भारत सरकार की, मोदी सरकार की एक ऐसी अभिनव नीति है जिसके कारण खिलाड़ियों को पूरे देश भर में प्रोत्साहन मिला। एक तरीके की हर प्रदेशों ने अपनी खेल नीति बनाई, और देश की भी जो खेल नीति है उससे भी खिलाड़ियों को अवसर मिला। मुझे लगता है कि जो कोई समय था, जो धारणा थी कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार नहीं हो सकते, उस तरीके का स्टफ़ नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये सारी धारणाएँ भारत के खिलाड़ियों ने तोड़ दी है। उनमें वो सब जज्बा है जो दुनिया के दूसरे खिलाड़ियों में है, और अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम लोग जिस तरीके से बाकी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, खेलों में भी भारत अब उत्तरोत्तर दमदार उपस्थिति दर्ज कराएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई बबीता जी, क्या कहना चाहेंगी आज के प्रोग्राम को लेकर के? यही कहना चाहेंगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी खिलाड़ियों को संबोधित करने आ रहे हैं, और सभी खिलाड़ी बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे शामिल हुए हैं, तो सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और इस परिवार का हिस्सा बनने पर भी उनको बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। क्या कहना चाहेंगे, जो मान सम्मान खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, लगता है आपको भाई कि सरकार में खिलाड़ियों को मान सम्मान मिलने लगा? लगता नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि खिलाड़ियों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, और वो मान सम्मान सिर्फ मिला ही नहीं, कहीं बेहतर मिला है, चाहे वो द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्डी जो खिलाड़ी थे, तो किसी कारणवश जॉब पे भी नहीं लग पाते थे, लेकिन उनको आज पेंशन देकर उन खिलाड़ियों को मान सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। तो मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि खिलाड़ियों को जो उनका हक है, उनका जो सम्मान है, वो भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री नायब जी के नेतृत्व में वो खिलाड़ियों को मिला है। आज के इस प्रोग्राम का कोई युवाओं के ऊपर, जो लड़के लड़कियाँ हैं, कोई असर पड़ेगा इस बार? ऑफकोर्स, असर तो पड़ेगा ही, सब खिलाड़ी आज एक मंच के ऊपर आए हैं, तो खिलाड़ियों की आवाज़ लगा लो, खिलाड़ियों की बात, क्योंकि बहुत सारे आइकॉन भी यहाँ पे बैठे हैं, तो आइकॉन जब खिलाड़ियों हैं तो उसका मैसेज तो पूरे प्रदेश के अंदर जाएगा, और प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि देश के अंदर भी जाएगा। तो मैं सभी खिलाड़ियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आज इतने कम समय के अंदर एक छोटे से बुलावे पर सब खिलाड़ी एकत्रित हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। बेटी जी, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को?
प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं कि अपने हरियाणा से जो बहुत ही अच्छे ओलंपियन प्लेयर्स रहे हैं, जो अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी प्लेयर्स हैं, सब यहाँ मौजूद हैं, और जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं यहाँ पर मौजूद है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर और सबको देखकर। और हमारा जैसे कि हमने DNH फाउंडेशन के तहत हमने अभियान चलाया खेलेगा भारत जीतेगा भारत, जिसमें हम हर गांव-गांव में जाकर बच्चों को खेल किट प्रदान की है और खेल भी करवा रहे हैं। और साथ में जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने ये अवार्ड फंक्शन जो रखा है, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, वो सबको खेल अवार्ड देंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और काफ़ी उत्साह यहाँ खिलाड़ियों में देखने को मिल रहा है कि यहाँ इतने मतलब टाइम बाद कुछ नया मतलब करने की खिलाड़ियों ने कोशिश की, तो हर खिलाड़ी हमें सपोर्ट कर रहा है और बहुत प्यार कर रहा है। बड़े भाई साहब सतीश पूनिया जी, भाई दीपक हुड्डा जी, जिन्होंने हम सब खिलाड़ियों को एक मंच पर आज एकत्रित किया है, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे रणधीर जी द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हैं, और रणबीर जी वो भी द्रोणाचार्य अवार्डी, बहुत सम्मानित हमारे सभी द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी सम्मानित सभी खिलाड़ी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे वर्ल्ड के मेडलिस्ट भी बैठे हैं, एशिया के मेडलिस्ट भी बैठे हैं, बहुत सारे कोचिज भी हैं यहाँ पे जो द्रोणाचार्य बैठे हैं, और बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो अभी अभी जिन्होंने शुरुआत भी की है और बहुत अच्छे स्तर पर अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे सम्मानित सभी खिलाड़ी, सम्मानित मंच, मैं अपनी बात की शुरुआत में एक ही चीज़ कहूँगी कि विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन करने वाले सभी अपने बहन भाइयों को, साथी खिलाड़ियों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज जब देश के अंदर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो हमारा देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो उसमें विकसित भारत के अंदर हमारे खिलाड़ियों का योगदान को हम भूल नहीं सकते, उसके अंदर खिलाड़ियों का योगदान भी बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार खिलाड़ियों को सम्मान मिला है, शायद ही किसी सरकार ने इतना खिलाड़ियों को सम्मान दिया हो, क्योंकि आप सब खिलाड़ियों को ही पता है, मैं खिलाड़ी रही हूँ तो हर एक चीज से वाकिफ हूँ। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट हमारे देश के लिए कितना जरूरी था, ये कुछ लोगों को लगता है ये सिर्फ एक मुहिम हो सकती है, ये सिर्फ एक नारा हो सकता है, लेकिन इस नारे ने, इस मुहिम ने धरातल पर कितने लोगों को फिट करने के लिए मजबूर भी किया है, और फिट रहने के लिए उन लोगों को एक तरह से मोटिवेशन भी दिया है। तो इस नारे से बहुत सारे ऐसे, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो युवाओं का देश है, सबसे बड़े युवाओं का देश अगर कोई माना जाता है तो वो भारत देश है। और कहते हैं कि जिस देश का युवा अगर अंधकार में चला जाए या आलस में चला जाए, तो उस देश को अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारे युवाओं को एक प्रेरणा देकर उनको एक सही रास्ता दिखाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट चलाकर पूरे भारत के अंदर युवाओं को जागरूक करने का काम किया है, और फिट रहने के लिए उनको प्रेरणा मिली। आज अगर मैं खिलाड़ियों के अगर टॉप स्कीम जैसी योजना की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद टॉप स्कीम का हिस्सा रही हूं, और मैं गर्व के साथ कह सकती हूं, चाहे वो नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता हो, चाहे वो और खिलाड़ियों ने मेडल जीता हो, अगर ओलंपिक में मेडल जीता है तो वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम सब ने वो सुविधा ली है। मैं खुद खिलाड़ी रहकर टॉप स्कीम का हिस्सा रही, तो मुझे ये पता है कि 2016 का ओलंपिक जब मैं खेली थी, तो मुझे इंजरी जब हुई थी, तो मुझे स्पेशल ट्रेनर मुझे मिला था, स्पेशल डॉक्टर को मुझे दिखाने के लिए पैसा सरकार ने खर्च किया था, और बाहर ट्रेनिंग के लिए भी गए थे, तो भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से ही हम बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो मुझे ये पता है कि एक खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा जरूरत इन्हीं चीज़ों की रहती है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सब सुविधाएं हमारे खिलाड़ियों को दिए हैं, ताकि ये सब सुविधा लेकर हम अपने भारत देश का तिरंगा झंडा लहरा सके, और अपने देश का जो मान सम्मान हम विदेशों में बढ़ा के आ सकें। तो वही फिलहाल देख सकते हैं दीपक निवास हुड्डा जी के साथ में CM साहब पहुँचे हैं अभी, देखिएगा एक बार यहाँ पर।
हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, सभी तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में साथ में आ रही है आदरणीय दीपक निवासी हुड्डा होंगे नाइजर, जिनके द्वारा हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार ये जिला रोहतक इस पावन धरा पर बिल्कुल करवाने का काम किया। समस्त हरियाणा प्रदेश के द्रोणाचार्य अवार्डी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी ध्यानचंद अवार्डी तेजी लोग के पुरस्कार से सम्मानित और हरियाणा प्रदेश का प्राइम पुरस्कार भीम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी के हाथों से इनको सम्मानित किया जाएगा। साथ का जी डॉक्टर सतीश जी पुनिया पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान और लोकसभा चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश हमारे बीच में होंगे। अब समय की व्यवस्था को देखते हुए मैं अनुरोध करूँगा हमारे ऑर्गेनाइजर साथी आदरणीय दीपक निवासी हुड्डा भाई, खिलाड़ी हो सारे देश की शान बैठे हो, नो बोलोगे भारत माता की, ये वही ना बात। मंच पर उपस्थित हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी और भाजपा राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सतीश पुनिया जी, बहन बबीता फोगाट जी, हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी कोच रामबीर खोखर जी, स्वीटी बुरा जी और सम्मानित जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी है, ध्यानचंद अवार्डी, भीम अवार्डी, ओलंपिक पार्टिसिपेट और भी जितने एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट हैं, जितने भी युवा नेशनल एथलीट हैं, आप सबको मेरा नमस्कार, क्योंकि बहुत सारे तो मेरे आदर्श रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं और मेरे साथी भी हैं। आप सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगा क्योंकि आप इतने कम समय पर यहाँ पर आए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। करोड़ों युवा खिलाड़ियों के लिए आप आदर्श हैं, आपने गरिमा उपस्थित की है पूरे हरियाणा प्रदेश और भारत देश के लिए। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए एक ताली जोरदार हो जाए क्योंकि आपने भारत देश का मान बढ़ाया है। और आप सबके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए हैं आप सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए। हरियाणा प्रदेश खेलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और उसके लिए जितनी भी अब खेल की नीतियाँ जो बनी हैं उनसे बेहतर हुआ हमारा हिंदुस्तान। पहले 100 करोड़ की जनसंख्या में मेडल दो चेहरे आते थे, पूरा देश दिवाली मनाता था, ऐसे होता था पता नहीं क्या होगा। और अब हमारे देश की स्थिति वो है कि इस बार ओलंपिक में 7 मेडल हमारे आए थे, पैरा ओलंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61, ये आज का भारत है। और एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स दोनों के मिलाएं तो 221 मेडल भारत देश ने हासिल किए थे, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसे ही खेल की नीतियाँ और खिलाड़ी बेहतर होते रहे तो एक दिन ये संख्या एशियन गेम्स में 500 और ओलंपिक में भी चाइना की तरह 100 से कम नहीं होगी। आप सबका जोरदार स्वागत है। अब समय का अभाव है तो मैं जितने भी पुरस्कार विजेता खिलाड़ी हैं उनका मान सम्मान के लिए उनको बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज हरियाणा खेल गौरव पुरस्कार के इस गरिमापूर्ण समारोह में मंच पर विराजमान हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई दीपक निवास हुड्डा जी, स्वीटी जी और उपस्थित सभी तमाम यहाँ पर द्रोणाचार्य, भीम और अनेक अलंकरण से सुसज्जित यहाँ पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाले गुरुजन श्रेष्ठ, हरियाणा और भारत का नाम ऊंचा करने वाले
तमाम वो खिलाड़ी, मैं इस पुरस्कार समारोह में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि खेल की अपनी एक अलग दुनिया है। एक बार एक खिलाड़ी से मैंने पूछा कि आप खेलते हो, अपने लिए खेलते हो, परिवार के लिए खेलते हो, देश के लिए खेलते हो, आपके जीवन में सबसे गौरवपूर्ण क्षण कब होता है? उन्होंने बेहद खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब विदेश की धरती पर भारत का तिरंगा फहराया जाता है और जनगणमन का गान गाया जाता है, वो गौरवपूर्ण क्षण हम खिलाड़ियों के लिए होता है। मुझे याद है एक खिलाड़ी को, उसका इंटरव्यू देखा, मैं नाम तो भूल रहा हूँ, लेकिन उस खिलाड़ी के जीवन में एक ऐसा अवसर आया जब वो ओवरवेट था, देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया, लेकिन वेट को इक्वल करने के लिए वो डिहाइड्रेट हो गया। उसको इवेंट खेलना था लेकिन उसने जान जोखिम में डाली, जज्बे से वो मेडल जीता। और जब वो वापस आया और उसके कोच को पता लगा, उसके सहयोगी साथी खिलाड़ियों को पता लगा, तो उन्होंने कहा कि तुमने ये जोखिम कैसे ली? उन्होंने कहा ये जोखिम मैंने भारत के लिए ली, क्योंकि भारत से मैं रवाना हुआ था तिरंगे के मान के लिए, भारत माँ के स्वाभिमान के लिए, और इसलिए मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। मेरा तो एक ही लक्ष्य था कि मैं भारत का माथा ऊंचा ऐसे करूं तो भारत की सेना के बाद में जो दूसरा बड़ा समूह है ये खिलाड़ियों का समूह है। मैं सभी खिलाड़ियों से व्यक्तिगत मिला, मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन कर रहा था कि हरियाणा की ताकत और हरियाणा की शान हमारे सामने बैठी है। बहुत खिलाड़ी और भी आने वाले थे, कुछ नौकरी में है, कुछ अपने व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन मुझे दीपक और इनकी पूरी टीम, बबीता, तमाम यहाँ लोग हैं, मैंने एक एक से बात करी है, मैंने आपकी संवेदनाओं को भी समझा है और आपकी ज़रूरतों को भी समझा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, क्योंकि आज तो हम चुनाव की आचार संहिता से बंधे हुए हैं, लेकिन मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति की हैसियत से आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्योंकि ये नायब है और आप सब लोग देश के लिए, हरियाणा के लिए नायाब हो, और इसलिए आप सब लोगों के हित के लिए मुख्यमंत्री जी और हरियाणा की सरकार और भारत की सरकार ये पूरी मजबूती से आपकी पैरोकारी भी करेगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेगी। तो मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और एक बार आग्रह करूंगा कि जोरदार आयोजन के लिए जोरदार तालियों से एक संदेश दें कि हर खिलाड़ी जाति, पंथ, मजहब और भाषा से ऊपर उठकर कुरुक्षेत्र का नाम बदले उनकी पूरी थाली मारिया धरती पावन से किसान आए जोरदार तालियों। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।